भी खत्म नहीं किया है, मेरी मदद करना है। तो यहाँ पे चिल कर रही है? हाँ, मैं तो सारा पोशन भी कर, रिवीजन भी होगा, आई एम ऑल सेट फॉर द एग्जाम। हाँ, आई वो यार ये हेल्प नहीं कर रहा, मेरी मदद कर, मुझे फेल नहीं होना, प्लीज मेरी मदद कर। सबसे पहले ना तू ये पैनिक करना बंद कर, एंड वुमेन पैनिक कभी भी एग्जाम में काम नहीं आता, वो बस तेरे को और ज्यादा स्ट्रेस आउट करता है। मैं तेरे साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी एंड हमारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूंगी, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो। देखो दोस्तों भाई उसकी टिप्स दे रहे हैं तो आपको तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, मुझे टिप्स भी चाहिए ना, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो। तो आज के हमारे वीडियो में हम टिप्स शेयर करेंगे कि कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्स के टाइम चल रहे हैं, हमारे भी आ रहे हैं, आपके भी आ रहे होंगे, तो इसलिए ये वीडियो तो बनता ही था। तो गाइस सपोर्ट कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और ये आयु के टिप्स, मतलब आयुष का अलग मेथड है, पढ़ने का मेरा अलग मेथड है, तो आयु आज अपना टिप देगी। अगर आप चाहते हो कि मैं भी जल्दी से अपना टिप दूं तो इस वीडियो को जल्दी से एकदम भर भर के लाइक कर दो। अगर आप 50 के लाइक्स दे दो कि इस वीडियो का एंड बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा इस वीडियो के लिए, तो हम जरूर इसके लिए एक पार्ट 2 करेंगे जिसमें अनुष्का अपने टिप शेयर करेगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस टिप नंबर 1, चूज द राइट प्लेस। अब गाइस एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम्स पे आप कहां पढ़ते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई ऐसी जगह पढ़ना है जहां आपका मन लगे पढ़ने में एंड कंफर्टेबल भी हो, बट इतना कंफर्टेबल ना हो कि ऐसे नींद आ जाए। क्या होता था ना मेरे साथ, मैं आराम से बेड में पढ़ाई करती थी, बट क्या होता था इतना कंफर्टेबल हो जाता कि मैं सो ही जाती थी। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, तो मैंने अपनी जगह जहाँ मैं पढ़ती थी वो बदली एंड फिर मैं आराम से चेयर पे अपने डेस्क में बैठ के पढ़ाई करती हूँ। एंड वही मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी, जितना हो सके बेड, कोई ऐसी कंफर्ट जगह जहाँ आपको नींद आ जाए बेड, उसे अवॉइड कीजिए, बल्कि चेयर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। सो गाइस टिप नंबर 2, एटमॉस्फेयर। अब जो जगह आप पढ़ते हो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके बाद एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम प्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कि आपका मन करे कि हाँ आज पढ़ाई करते हैं, आज हम पूरा पढ़ाई खत्म करके बैठेंगे, एकदम अच्छा मूड में आपको पढ़ाई करना चाहिए, वरना ऐसे सड़े मूड में पढ़ाई करते ना तो अच्छा नहीं होता। एकदम खुद को मूड में लाओ, चाहे आधा घंटा लग जाए, एक घंटा लग जाए, बट पढ़ाई करो मूड में ही एकदम अच्छे। तो आप अपने आपको मूड में लाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, आप कोई स्मूदी बना सकते हो, ओरियो मिल्कशेक बना सकते हो, एंड कभी कभार एनर्जी के लिए मैं तो अपने लिए एप्पल काट के खाई, क्योंकि मेरे को एप्पल पसंद है एंड हेल्दी खाना चाहिए ना। एग्जाम्स के टाइम पे जंक फूड तो लाइक अवॉइड ही करना चाहिए एंड हेल्दी फूड प्रेफर करना चाहिए जो आपको एनर्जी दे एंड आपका मूड बना रखे। एंड मूड बनाने के लिए और भी कई सारी चीज़ें किए जा सकते हैं, जैसे कि आप एसी ऑन कर सकते हो, कूल रहेगा, आप एक सेंटेड कैंडल लाइट कर सकते हो, अच्छी स्मेल रहेगी। तो कुछ भी करो, बस खुद को मूड मिला, क्योंकि मूड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकदम हैप्पी मूड में, एकदम मोटिवेटेड मूड में पढ़ाई करोगे ना तो बहुत अच्छे से होगा, एफिशिएंटली होगा, एंड वही मैटर करता है। सो अब एटमॉस्फेयर में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ोन नहीं रहना चाहिए बाजू में, बिल्कुल फ़ोन नहीं रहना चाहिए। कुछ भी जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो दूर रखो। क्या है ना, कभी कहा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन बाजू में ही है, नोटिफिकेशन के बाद चेक करना है किसका मैसेज आया, तो इसलिए फ़ोन को ना अपने से दूर क्या, अपने उसे रूम में ही रख दो, रूम में रख दो, फिर बाद में जब आपका ब्रेक टाइम रहेगा तो आप देख सकते हो आराम से किसका नोटिफिकेशन था, क्या था, मगर उसे उस टाइम के लिए पढ़ाई टाइम पे दूर रखो खुद से, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से ना फिर नहीं होता है पढ़ाई। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, कुछ भी हो, उसे दूर रखो अपने से। टिप नंबर 3, गोल्स। तो एग्जाम प्रिपरेशन में प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, तो इसलिए आप अच्छे से प्लानिंग करो। जैसे आपको टाइम टेबल मिल जाए, पोर्शन मिल जाए, सबसे पहले बैठ के प्लानिंग करो कि आप कैसे अपना पोर्शन कंप्लीट करोगे हर सब्जेक्ट के लिए, कैसे अपना रिविजन करोगे, अच्छे से प्लान करो, तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और कैसे आप सब करने वाले हो एग्जाम्स के लिए। क्योंकि जो एग्जाम्स के पहले जो टाइम रहता है ना, उसमें प्लानिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम रहता है, तो बिल्कुल एक मिनट भी वेस्ट ना कीजिए, सबसे पहले प्लानिंग कीजिए एंड देन शुरू हो जाइए। और अब प्लानिंग तो करना ही है, बट उसके पहले आपको गोल सेट करना है, तो गोल सेट करके आप प्लानिंग कर पाएंगे। तो मैं सपोज गोल सेट करके मेरे को ए ग्रेड चाहिए अपने रिजल्ट्स में, हर एक सब्जेक्ट में मुझे ए ग्रेड चाहिए, तो मुझे अब उसे ऐसे ही बोलने में नहीं करना है, मुझे लाना है उसे ए ग्रेड को। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्लान कर लिया, गोल सेट करे कि मेरे को ए चाहिए, तो पूरी मेहनत कर लो एंड 100% दे दो एंड देन उसके बाद ए ग्रेड ला दो। आई एम टेलिंग, अगर आप अपना 100% दोगे ना तो आप पक्का उसे पा सकते हो। सबसे पहले ना जब आप लाइक अपना एग्जाम्स का जब आप सोचते हो ना, तो आपको पहले पूछना है खुद को कि मैं कितना परसेंट दे रही हूँ अपनी पढ़ाई को। अगर 100% आंसर है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर 100% आंसर नहीं है, अगर आपको लगता है 60%, 50%, तो बदलो उसे, देखो कि आप अगर फुल अपना एफर्ट जाते तो कैसा आता। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप फुल 100% दोगे ना तो ज़रूर अपना गोल पा पाओगे, तो इसलिए आप प्लानिंग करो।
एंड देन उसके बाद आता है ये बात कि कंपटीशन जो है लोग ऐसे करते हैं कि वो कंपटीशन अपने क्लास में करते हैं, इसने मेरे जैसे सेम रहता है मुझे इस बार इससे इससे ज़्यादा लाना है, तो नहीं गाइस कंपटीशन जो है ना दूसरों से नहीं खुद से रखना है कि जो मैं लास्ट ईयर की थी मुझे उससे बेहतर करना है एंड बस अपने आप से कम्पीट करो, अपने आप को चैलेंज करो कि आयुष्का जो तो पिछले साल की थी ना इस बार नहीं रहेगी, बी ग्रेड से ए ग्रेड लाऊंगी, तो वही खुद को चैलेंज करो एंड उसे करके दिखाओ, तो वही अपने आप को चैलेंज करो, याद रखना कि ये कॉम्पिटिशन जो है ना खुद से है किसी और से नहीं है। टिप नंबर 4 स्टडी शेड्यूल। अब ये टिप उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है ना कुछ एंड मोमेंट में प्लान्स हो गए, कुछ चेंजेस हो गया, कुछ हो गया, तो आपका जो पूरा प्लान टाइम टेबल था वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसका सोल्यूशन ये है स्टडी शेड्यूल। तो मैं भी यही खुद फॉलो करती हूँ, मैं क्या करती सपोज मेरा स्टडी टाइम है 3 to 6, तो मैं ये प्लान पहले करती हूँ 15 मिनट्स निकाल के कि मैं कैसे सब करने वाली हूँ, पूरा 3 to 6 मैं कैसे करूँगी, क्या असाइनमेंट्स, कितना टाइम, तो ये आप प्लान करें कि आप पूरे असाइनमेंट्स कैसे करोगे एंड सेल्फ स्टडी टाइम भी। तो ये टिप जो है ना यूजफुल इसलिए क्योंकि आपको इसमें खुद के लिए भी टाइम मिलता है स्टडी टाइम एंड सारे असाइनमेंट्स जो भी रहते हैं आज के तो सब कंप्लीट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट बात ये है कि आप जब अपने असाइनमेंट्स करो तो आपको खुद को टाइम करना है, टाइमर लगाने का, सपोज ये असाइनमेंट 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स में उसे कंप्लीट करना ही है क्योंकि एग्जाम में थोड़ी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो इसलिए ना ऐसे कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि एग्जाम का सब आंसर्स मेरे को आते थे पर मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई पेपर, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपका, तो इसलिए आप हमेशा से पहले से ही खुद की आदत लगाओ कि आप टाइम से टाइम पर कर रहे हो तो फिर कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। टिप नंबर 5 बी काइंड टू योरसेल्फ। अगर इस एग्जाम के टाइम पे ऐसा कई लोग करते हैं, मैं करती थी पहले, खुद को फोर्स करती थी लाइक यू नो पढ़ाई करने के लिए फोर्स, जैसे मैंने कहा मूड बहुत पड़ेगा, मूड नहीं है तो फिर मत करो फोर्स, मूड बनाओ एंड देन पढ़ाई करो, तो वही खुद को फोर्स नहीं करने का। जैसे क्या होता था मेरा स्कूल 2 o'clock को ओवर होता था, मैं ऐसा करती थी कि मैं 2 to 2:30 लंच करूँगी अपना, देन 2:30 to 3 आराम करूँगी एंड देन फिर 3 o'clock से 6 o'clock पढ़ाई करूँगी, बट ऐसा कभी कभार मैं स्कूल से इतना थक जाती थी कि मुझे आधा घंटा का ब्रेक लेती मैं खुद के लिए, तो मैं आधा घंटा के बजाय 1 घंटा की ज़रूरत पड़ती थी मेरे को, तो अभी खुद को फोर्स करती थी मैं कि नहीं अब पढ़ाई कर इसका बहुत हो गया ब्रेक, आधा घंटा काफ़ी है, तो भाई ऐसे नहीं करने का गाइस, फोर्स नहीं करने का, आधा घंटा ब्रेक और ले लो ना चलता है, वो आपकी बॉडी को चाहिए तो जस्ट डू इट, ठीक है, खुद को फोर्स मत करो क्योंकि अगर आप थके थके करोगे तो फिर वो एफिशिएंट भी नहीं रहेगा, जितना आधे घंटे का चीज़ 1 घंटा टाइम लगाएगा, तो इससे बेहतर हाफ एन आवर ब्रेक ले लो और हाफ एन आवर जितना भी टाइम लगे ब्रेक ले लो, जितना भी आपको ज़रूरत है आपकी बॉडी को ज़रूरत है एंड देन उसके बाद पढ़ाई करो, क्योंकि गाइस मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, तो ब्रेक ले लो अगर ज़रूरत है। एंड दूसरी बात, अब एग्जाम्स के टाइम पे ऐसा भी लोग करते हैं कि अपना स्लीप सैक्रिफाइस करते हैं, सोचते हैं कि मैं सिर्फ 3 घंटा सोऊंगी चलेगा बट एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नहीं गाइस एग्जाम ज़्यादा खुद भी तो इंपॉर्टेंट हो ना, तो खुद को आप पहले प्रायोरिटाइज करो कि आप अब से अच्छे से सफिशिएंटली सो, 6 to 7 hours स्लीप इंपॉर्टेंट है, तो सैक्रिफाइस मत करो 6 to 7 hours हर रोज सो एंड देन उसके बाद पढ़ाई करो, कि क्या है ना अगर आप 6 to 7 hours अगर आप सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सोओगे तो नहीं रहेगा ना, आपका माइंड भी रिलैक्स नहीं रहेगा, आप एफिशिएंटली पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, तो इस मामले में आप अपनी स्लीप सैक्रिफाइस मत करो, एटलीस्ट खुद को 6 to 7 hours स्लीप दे दो। पार्टनर स्टडी। अब ये टिप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनको लाइक पढ़ाई करने में बोर होता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं रहता है, सो डोंट वरी गाइस आई हैव गॉट योर बैक। तो आप ऐसा कर सकते हो, पार्टनर स्टडी कर सकते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हो, अपने सिस्टर के साथ भी कर सकते हो, जैसे मैं अपनी बहन अनुष्का के साथ कर सकती हूँ, मेरे साथ सेम ग्रेड में है, मैं ये सब जो भी मैं आपको टिप्स दे मैंने खुद ट्राई किया है, ये सब मेरे लिए बहुत यूजफुल रहे, मेरे को बहुत हेल्प किया, इसलिए अपना शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपके लिए भी यूजफुल रहे एंड आपके भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए, चेंज लाए आपके लिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, जैसे कि मैं भी जान पाऊँ कि आपको कैसे ये यूजफुल रहा, आपका फेवरेट कौन सा था। सो पार्टनर स्टडी में कैसे किया था मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, कि हम लोग दोनों लाइक कॉल पे थे, वीडियो कॉल पे, तो दूसरे का शक्ल देख रहे थे बट म्यूट पे थे, लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी जब मैं पढ़ाई करूँ तो मेरे को वॉइस डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मेरे को एकदम शांति चाहिए पढ़ने के समय, तो इसलिए दोनों म्यूट पे रहिए एंड देन उसके बाद एक एक चैप्टर कर लीजिए, लाइक एक चैप्टर चूज के फिर दोनों उसे पढ़ो, लाइक उसके लिए भी आप टाइम लगा सकते हो हाफ एन आवर, दोनों चैप्टर्स पढ़ेंगे दोनों अपना अपना एंड देन उसके बाद क्विज लो, तो एक दूसरे से सवाल पूछो एंड उससे आप एक दूसरे की नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ना एग्जाम्स में चाहे सोलो हो या पार्टनर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करो उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप पास्ट पेपर सॉल्व करो या क्विज करो कोई भी तरीके से, बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप सब समझ तो गए पर उसे अप्लाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि एग्जाम्स में यूजुअली क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इसलिए आपको अपना नॉलेज टेस्ट करना है कि आपको इसे अप्लाई जो आपने भी सीखा उसे अप्लाई करना आता है कि नहीं।
टाइम पे मोटिवेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए गाइस खुद को मोटिवेटेड रखो, बेस्ट करो, ट्राई कि आप खुद को मोटिवेटेड रखो कोई भी तरीके से, जो भी आपको सूट करे। आपको पता है आपके लिए बेस्ट क्या है। अब मैंने कैसे किया था, मैंने खुद के लिए एक कोट वॉल बनाया था, तो जहाँ मैं पढ़ाई करती उसी के बाजू में मैंने एक कोट वॉल बनाया था और मैं इसमें कुछ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोट्स चिपकाए थे जो मुझे लाइक पर्सनली इंस्पायर करते हैं। और वही मैं कभी कभार पढ़ाई करती हूँ थोड़ा सा डिमोटिवेट कभी भी हो जाती हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ। कोर्स ही नहीं, आप खुद के लिए नोट्स भी चिपका सकते हो, जो भी आपके लिए बेस्ट है, जो भी आपको लाइक सूटेबल रहे। तो वही कोर्स चिपकाओ, नोट्स चिपकाओ, जो भी चिपकाओ, जो भी आप देख के एकदम मोटिवेट हो जाओ एंड वापस अपने मोटिवेटेड स्पिरिट में आ जाओ। टिप नंबर 8, अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है? बेसिकली खुद के माइंड को कुछ अफर्म करना, लाइक खुद को कुछ बात रिपीटेडली कहने से कि वो बात जो है वो आप जो चाहते हो वो आप हासिल कर लो। तो ये मैंने कोई बुक से पढ़ा था, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक ये मेरे डैडी मेरे को सजेस्ट की थी एंड मैंने इसको पिछले साल पढ़ा और अभी मैं इसे सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ क्योंकि ये कितनी मोटिवेशन एंड लाइफ चेंजिंग बुक है। वैसे कह रही कुछ प्रमोशन नहीं है इस बुक का, ये मैं खुद अपने दिल से कह रही हूँ क्योंकि ये बुक मुझे बहुत पसंद आई एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये बुक पढ़ सकते हो, ये आपको हेल्पफुल रहेगा एंड लाइफ चेंजिंग बुक है। सो अफर्मेशन करने से होता क्या है, बेसिकली आप खुद को कोई बात रिपीटेडली कह रहे हो तो वो सच्ची में हो जाती है। तो क्या है, आपके जो आपका है दो पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो चीज़ें जो मेन रहता है, जो थिंक करता है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं करता। जो आपकी हैबिचुअल थिंकिंग है, जब भी आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकती, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना उसे आर्ग्यू नहीं करता है, सीधा वो चीज़ हाँ नहीं कर सकती ऐसे कर देगा। लेकिन आप बोलो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ए ग्रेड पा सकती हूँ, इतना गोल अचीव कर सकती हूँ, हर रोज आप ये खुद को कहोगे तो आप पा जाओगे, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे एक्सेप्ट करेगा ट्रू एंड उसे रियलिटी में ला देगा। तो इसलिए गाइस ये आप ज़रूर अफर्मेशंस कीजिए, जो भी आपको गोल है जो आपको पाना है उसके लिए लिख लीजिए कि आप क्या अफर्म करोगे खुद को हर रोज एंड 2 से 3 बार लर्न कर लीजिए। लर्न हो ही जाएगा इतना दिन बोलते बोलते, तो लर्न कर लीजिए एंड खुद बोलते रहिए हर रोज एंड आई एम टेलिंग यू गाइस के रिजल्ट जल्दी शो अप होंगे एंड रिजल्ट आएंगे, इफेक्ट होगा उसका एंड ज़रूर आपकी लाइफ बदल सकती है उससे अगर आप उससे सीरियसली करेंगे। सो गाइस जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर किए हैं ज़रूर कमेंट करके बताना हमारे कम्युनिटी पोस्ट में कि आपको ये कैसे लगे टिप्स, आपका फेवरेट कौन सा था एंड कौन सा आप यूज़ किए एंड क्या रिजल्ट्स आए आपके, कि आपका जैसे आपने प्लान किया सपोज जो गोल वाला था आपने प्लान किया आपके रिजल्ट्स आ भी गए, जरूर कमेंट करके बताना। मैं बहुत खुश होगी जान के कि जो मेरे टिप्स हैं वो आपके लिए यूजफुल रहे।